ओम शांति बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पहले पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। तो आइए कविता को शुरू करने से पहले कविता के बारे में जानेंगे कि कविता किसके ऊपर लिखी हुई है। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पक्षी यानी पक्षियों के बारे में है, और इस कविता के में कवि ने यही बताया है कि उन्मुक्त यानी खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता अधिक प्रिय है और वे अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते। तो आइए कविता शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता बहुत अधिक प्रिय है। तो पक्षी क्या कह रहे हैं? वे यह कह रहे हैं कि पक्षी उन्मुक्त गगन के हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरे में बंद कर लिया जाए यानी हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए, पिंजर बद्ध अर्थात पिंजरे में बंद, तो क्या होगा? अगर हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए या हमें पिंजरे में बंद कर लिया जाए तो हम गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक अर्थात होता है सोना, तो कनक तीलियां अर्थात सोने की सलाखें। तो पक्षी यह कहना चाहते हैं कि चाहे हमारा पिंजरा जो है सोने का ही क्यों ना बना हो, लेकिन हमें इतनी आज़ादी हमें प्रिय है कि हम पिंजरे में से निकलने का प्रयास करेंगे। उसकी सोने की सलाखों से टकराकर हमारे पुलकित अर्थात रोमांचित या खुशी से भरे, हर्ष से भरे हुए पंख जो हैं वह टूट जाएंगे। आगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक नगोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी कहते हैं कि हम तो बहता हुआ शुद्ध साफ नदियों का जल पीने की आदत रखते हैं। हमें तो बहता जल पीने की आदत है, और अगर हमें पिंजरे में बंद कर लिया जाएगा तो हमें क्या जो कटोरी में दाना पानी रखा है वह अच्छा लगेगा? नहीं, और हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। तो इससे कही भली है कटुक नगोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो आगे वे कहते हैं कि हमें उस सोने के पिंजरे के अंदर भले ही हमें सोने की कटोरी में दाना दिया जाए और उस भोजन से कही भली है अर्थात बहुत अच्छी है क्या कटुक नगोरी अर्थात नीम का फल। तो वे कहते हैं कि उस सोने की कटोरी में दिए जाने वाले भोजन से कड़वी नीम का फल हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। यह स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आप सभी लोगों ने पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा। जब पक्षी उड़ते हैं तो पेड़ की सबसे ऊंची पेड़ की शाखाओं पर बैठ जाते हैं, और जहाँ पर हवा से पेड़ हिलता है तो पक्षी भी हिलते हैं, यानी कि एक तरीके से वे झूला झूलते हैं। तो पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अर्थात भले ही हमारे गले में सोने की जंजीरें डाल दी जाएं तो वे तो हमारे लिए एक तरीके से बंधन है, रुकावट है, तो वह इस रुकावट की वजह से
हम अपनी गति अर्थात जिस वेग से पक्षी उड़ते हैं, और उड़ान तो हम सबको पता ही है, उड़ना तो वे कहते हैं कि हमारे गले में सोने की जंजीरें पड़ने की वजह से हम अपनी गति और अपना उड़ना दोनों भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले, और अब पेड़ों की ऊंची शाखाओं में तो हम झूलना तो हम सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं, असली में तो ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं। तरु मतलब होता है वृक्ष या पेड़, फुनगी होता है पेड़ की ऊंची शाखाएं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीली नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पर कवि ने पक्षियों की मन की इच्छा के बारे में बताया है कि पक्षी क्या सोचते हैं, उनकी क्या इच्छा होती है। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि हमारे भी अरमान थे, यानी हमारे भी ऐसी इच्छा थी कि हम भी उड़ते। कहाँ उड़ते? नीली नभ की सीमा पाने, वहाँ तक उड़ते जहाँ तक कि आकाश की सीमा है, मतलब आकाश की दूसरी छोर तक हम उड़ते ही जाते। ऐसी हमारे मन की इच्छा थी या ऐसी हमारे अनुमान थे। और क्या करते? लाल किरण की चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। वे कहते हैं कि और हम क्या चाहते थे कि हम अपनी सूर्य की लाल किरणों जैसी लाल चोंच को खोलकर चुगते, मतलब खाते, क्या खाते? तारक अनार के दाने। तारक रूपी अनार के दाने मतलब तारों को खाने की इच्छा रखते हैं पक्षी। वे कहते हैं कि क्योंकि उन्हें तारों जैसे हमें तारे दूर से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो कवि ने यह कल्पना की है कि पक्षियों को वे छोटे तारे अनार के दानों की तरह देखते हैं, और वे आकाश के दूसरे छोर तक उड़कर अपनी लाल लाल चोंच से तारों रूपी अनार के दानों को खाना चाहते थे। ऐसी उनकी इच्छा थी, लेकिन वे अब पिंजरे में बंद हैं, तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। आगे है, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों को बनकर उनकी इच्छाओं को भी प्रकट किया है कि वे क्या करना चाहते हैं। वे सीमाहीन मतलब बॉर्डर, जहाँ पर कोई चीज़ समाप्त हो जाती है तो उसकी सीमा होती है। अब लिखा है कि सीमाहीन मतलब जिसमें सीमा ही ना हो, और क्षितिज अर्थात होता है जहाँ बिंदु, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, उसको बोलते हैं क्षितिज। उस बिंदु को क्षितिज कहते हैं। तो पक्षी क्या चाहते हैं कि वे अपने पंखों से हौड़ लगाकर उड़ना चाहते हैं। कहाँ तक? सीमाहीन क्षितिज तक। वे वहाँ तक जाना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, मतलब हमें पता नहीं कि क्षितिज कहाँ पर है, वो तो हमें दूर से ही दिखता है। इसलिए पक्षी अपने पंखों की होड़ लगाकर या अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं किसके साथ? सीमाहीन क्षितिज के साथ। वे अपने पंखों से उड़ते हुए सीमाहीन क्षितिज का तक जाना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब क्योंकि क्षितिज को सीमा ही नहीं है, तो उड़ते उड़ते पक्षी भी तो थक जाते हैं। इसलिए लिखा है कि जब वे प्रतिस्पर्धा करते हैं क्षितिज के साथ, या तो उन्हें एक बिंदु ऐसा आता है उन्हें क्षितिज मिल जाता है, वे तंती सांसों की डोरी, या उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इन पंक्तियों में उड़ते उड़ते क्षितिज तक जाना चाहते हैं, और अगर उन्हें वह क्षितिज ना मिले तो वे मर जाना चाहते हैं, लेकिन
बस वह उड़ना ही चाहते हैं। आगे है, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख लिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन अंतिम चार पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी कह रहा है कि भले ही तुम हम टहनी का नीर अर्थात घोंसला मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और हमारे जो घोंसले हैं वह भी तुम तोड़ डालो, छिन्न भिन्न करना अर्थात तोड़ देना, लेकिन पंख लिए हैं तो क्योंकि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं इसलिए तुम हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल अर्थात बेचैन, जो उड़ने के लिए बेचैन है, बहुत अच्छा उत्सुक है, हमारे जो पंख उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, उनकी उड़ान में कोई विघ्न न डालो, अर्थात हमें कैद मत करो, हमें पिंजरों में बंद मत करो। तो आज हमने कक्षा 7 में दी गई बसंत की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ी और समझी, और इस कविता के अगले अध्याय में हम करेंगे प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।